नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ 10 यानी 10 न्यू टाइप का रीजनिंग लेकर आए हैं। अगर आप लोग रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन यानी रिक्त स्थान वाले रीजनिंग जो है आप लोग को एग्जाम में जरूर पूछा होगा। तो आज हम लोग 10 टाइप लेकर आए हैं और सभी टाइप जो है वो 2022 में पूछा गया न्यू टाइप है। अगर आप लोग अभी तक रिक्त स्थान वाले रीजनिंग नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आप लोग को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम देसी जुगाड़ से इस वीडियो को इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों ये मेरा फर्स्ट रीजनिंग का वीडियो है, अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। दोस्तों फर्स्ट वीडियो में बहुत सारे त्रुटि हो जाता है लिखने में बोलने में, तो ये मेरा फर्स्ट रीजनिंग का वीडियो है। तो चलिए हम लोग फिर भी शुरू करते हैं और आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रीजनिंग किसे कहते हैं? दोस्तों इसमें जोड़ घटाव गुना करके कैसे हूँ जो है वो जो है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि 20 प्लस 15 बराबर 24, 64 प्लस 13 बराबर 42, तो पूछ रहा है 11 प्लस 28 बराबर क्या हो जाएगा। दोस्तों रीजनिंग में जोड़ घटाव गुना भाग कैसे हूँ करके जो है वो 24 यहाँ पे लाना है, तो कैसे लाएगा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि 20 प्लस 15 बराबर कितना दिया गया है। दोस्तों तो यहाँ पे 24 दिया गया है। अगर हम लोग जोड़ के देखते हैं तो जोड़ने पर दोस्तों जो 20 प्लस 15 कितना होता है तो 35 हो रहा है, तो मतलब ये नियम नहीं लगेगा। और दूसरा नियम देखते हैं, 20 में से अगर 15 घटाते हैं तो 5 होता है, और 5 से हम लोग गुना भी करते हैं तो 24 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी नियम जो कि नहीं हो रहा है। तो और कोई नियम यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग भाग देते हैं तो भाग लगने पर भी ये नहीं आता है। तो चलिए हम लोग एक देसी जुगाड़ देखते हैं। अगर हम लोग सभी संख्या इसमें जो दिया गया है यहाँ पर इस सभी संख्या को जोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ पर 20 में 2 प्लस 0, उसके बाद 15 में है तो प्लस 1 प्लस 15 तो कितना हो गया, 2 1 3 3 5 8 हो गया। दोस्तों तो यहाँ पे 8 दे दिए। अगर हम लोग 8 को 3 से गुना करते हैं तो अगर 8 को हम लोग 3 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, मतलब यह नियम सही है, यहाँ पे 24 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 से गुना किए तो 3 से ही सभी में गुना करेंगे, ये नहीं कि इसमें 3 से गुना किए अगला में 5 से गुना करेंगे, उसमें अगला में 6 से गुना करेंगे, नहीं, सभी में सेम संख्या जो कि सेम संख्या से गुना करेंगे। यानी जो नियम इसमें लागू हुआ वही नियम इसमें लागू होगा, वही नियम इसमें लागू होगा, यानी सभी में समान नियम लागू होगा। चलिए इसमें देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 6 4 10 हुआ, 10 1 11, 11 प्लस 3 14, यानी 14 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 14 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 42 आ रहा है, मतलब ये भी आ रहा है, ये दोनों जो है वो संख्या जोड़ के 3 से गुना करने पे आ रहा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अगर हम लोग 11 में यानी 1 प्लस 1, 1 1 2 हो गया, 2 2 4, 4 प्लस 8 कितना हो गया, तो 4 प्लस 8 यानी 12 हो गया। अगर हम लोग 12 में 3 से गुना किए करते हैं, क्योंकि 3 से दोस्तों हम सभी लोग सभी जगह जो गुना किए, यहाँ भी किए, यहाँ भी किए और यहाँ भी किए, तो यहाँ भी 3 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 36। तो यहाँ पे देखिए 36 आ गया। अब ऑप्शन में देखते हैं 36 है, तो देखिए ऑप्शन डी में जो है वो 36 है, इसका मतलब मेरा यह नियम जो है वो सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट सेकेंड टाइप। दोस्तों आज हम लोग 10 टाइप लेकर आए हैं। आप लोग एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या त्रुटि जो है वो रह गया है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 0 1 2 3 बराबर 9 हुआ, तो 9 दोस्तों कैसे हुआ, तो यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ने पर भी देखते हैं क्या होता है, 3 2 5 1 6, अगर 6 को 2 से भी गुना करते तो 12 होता है, लेकिन यहाँ पर 9 है। और कोई नियम देखते हैं, अगर हम लोग गुना करते हैं 3 2 6 हो रहा है, और 0 से गुना करने पर 0 हो रहा है, मतलब गुना करने पर भी नहीं आ रहा है। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 यानी सभी को जोड़ते हैं तो 2 1 3 3 6 प्लस 4 10 हो रहा है, 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जोड़ने पर नहीं आ रहा है। अगर गुना करते हैं तो गुना करने पर भी नहीं आ रहा है। तो और कोई नियम देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, 0 1 2 3 बराबर कितना दिया गया है, 9। दोस्तों अगर हम लोग लास्ट वाले संख्या को स्क्वायर कर दें, 3 को स्क्वायर
और प्रथम संख्या को घटा दें तो प्रथम संख्या यहाँ पे जीरो दिया गया है तो जीरो घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तीन तीन नौ में से जीरो घट जाएगा तो दोस्तों नौ हो गया। मतलब इस नियम से ये आ रहा है। अब सेकंड नियम देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है लास्ट वाली संख्या कितना दिया गया है तो लास्ट वाला जो है चार दिया गया है तो चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो सोलह हो जाएगा। और प्रथम संख्या कितना दिया गया है, एक दिया गया है और हम लोग एक इसमें घटाते हैं तो सोलह में से एक गया तो कितना हो गया तो पंद्रह हो गया। मतलब ये भी आ रहा है, ये दोनों नियम इस मतलब इस इक्वेशन से आ रहा है। अब तीसरा देख लेते हैं, लास्ट वाला संख्या को स्क्वायर करते हैं यानी पाँच से पच्चीस, इसमें से प्रथम संख्या को अगर घटा दें यानी दो और घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा तो ये दोस्तों ये तेईस हो रहा है। मतलब ये भी सही है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट वाली संख्या कितना है तो छः है और प्रथम संख्या तीन है, छः के स्क्वायर छत्तीस हो गया और प्रथम जो संख्या है तीन, तीन का स्क्वायर कितना हो गया तो नौ हो गया। अगर छत्तीस में से नौ घटाते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, छत्तीस में से अगर हम लोग नौ घटाते हैं तो सत्ताईस, यहाँ पे छत्तीस में से अगर हम लोग नौ घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, नौ घटाएंगे तो छः या तीन, सत्ताईस होना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ पे सत्ताईस होना चाहिए जो कि डी इसका सत्ताईस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सत्ताईस होना चाहिए तो सत्ताईस इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, यानी छत्तीस में से, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो है वो संख्या घटा है तो इसमें भी छत्तीस में से तीन ही घटाएंगे, जो यहाँ भी दो घटाए हैं, देखिए यहाँ पे भी दो घटाए हैं, यहाँ भी सिर्फ एक घटा है तो यहाँ भी सिर्फ तीन घटाएंगे, ये नहीं कि स्क्वायर घटाएंगे, यानी सभी जगह समान नियम लागू करेंगे तो यहाँ अगर तीन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तैंतीस हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि तीसरा नियम है। देखिए यहाँ पे देखिए पाँच दो छः यानी पाँच सौ छब्बीस बराबर नौ, तो पाँच सौ छब्बीस बराबर दोस्तों नौ कैसे हुआ, आठ सौ चौंतीस बराबर नौ कैसे हुआ, तो सात सौ सोलह बराबर कितना हो जाएगा पूछ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो नौ मार्क जो है वो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये नियम जो है वो गलत है, सभी में नौ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसका नियम देखते हैं वो किस प्रकार ये नौ आया है। देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग गुणा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर जोड़ने पर भी देखते हैं पाँच दो सात छः तेरह जो कि नहीं हो रहा है। चलिए दूसरा नियम देखते हैं, यानी पाँच दो छः बराबर नौ हुआ, अगर हम लोग प्रथम संख्या और लास्ट वाले संख्या को जोड़ दें और बीच वाले संख्या को घटा दें तो शायद नौ पूर रहा है। तो चलिए देखते हैं पाँच और छः कितना हो गया तो ग्यारह, और बीच वाले संख्या घटा देते हैं कितना हो रहा है तो नौ हो रहा है। मतलब ये नियम सही है। नेक्स्ट में देखते हैं तो ये आठ प्लस चार कितना हो गया तो बारह, यानी आठ चार बारह, इसमें से अगर तीन घटा देते हैं तो कितना हो रहा है तो नौ हो रहा है, तो मतलब ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगर हम लोग सात प्लस छः करते हैं तो सात प्लस छः कितना हो गया तेरह हो गया, और इसमें से बीस वाली संख्या एक जो है इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा तो ये बारह हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना होगा तो बारह होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चार नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा टाइप। यहाँ पे देखिए एक दो चार इन सभी गुना के जो कि चिन्ह दिया गया है बराबर दो सौ बारह दिया गया है, पाँच छः आठ बराबर छः सौ चौवन दिया गया है, तो तीन सात दो पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर एक दो चार में से अगर हम लोग दो से गुना करते हैं कितना हो जाएगा तो चार दुनिया आठ, दो दुनिया चार और दो एक दो, तो दो सौ अड़तालीस हुआ जो कि यह नियम नहीं लागू होगा। और कोई नियम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग जो कि जोड़ देते हैं तो वो भी नियम नहीं लागू होता है। तो चलिए इसका नियम क्या है तो वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक गुने दो गुने चार बराबर कितना दिया गया है तो ये दो सौ बारह दिया गया है। देखिए प्रथम संख्या हुआ, ये दूसरा संख्या हुआ, ये तीसरा संख्या हुआ। दोस्तों अगर हम लोग देखिए दोस्तों यानी सेकेंड वाले संख्या को पहले लिख ले, यानी ये संख्या को पहले लिख लेते हैं तो चलिए पहले लिख ले, और प्रथम संख्या को इसके बाद लिखते हैं तो प्रथम संख्या को चलिए इसके बाद लिखें, यानी बीच वाले को पहले, प्रथम वाले को उसके बाद, और लास्ट वाला जो संख्या है चार इसको आधा कर देते हैं, तो आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, तो दो सौ बारह जो कि यहाँ पर देखिए आ रहा है। नेक्स्ट वाले देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग बीच वाले संख्या को पहले लिखते हैं तो छः लिखें, प्रथम संख्या को उसके बाद लिखते हैं, प्रथम संख्या को अब लिखेंगे और लास्ट वाले संख्या का आधा कर देते हैं, तो आधा अगर हम लोग करते हैं तो छः से चौवन हो रहा है। तो मतलब यह नियम ये भी आ रहा है इस नियम से। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे तीन सात और दो दिया गया है,
तो बीच वाले संख्या को पहले लेते हैं, तो चलिए पहले ले लिए, उसके बाद फर्स्ट वाले को इसके बाद लेते हैं, चलिए इसके बाद ले लिए, और लास्ट वाले संख्या जो है इसको आधा कर देते हैं, तो आधा करने पर दोस्तों एक आ रहा है, मतलब देखते हैं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी नंबर में है, 731 दिया गया है, तो इसी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 731 आ रहा है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जो भी दोस्त नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से हम लोग रीजनिंग का भी हर टॉपिक बाई टॉपिक देखने वाले हैं, हर क्वेश्चन हर टाइप का सिंपल क्वेश्चन हम लोग दोस्तों नहीं जो आप लोग बना सकते वो सिंपल क्वेश्चन नहीं लेकर आएंगे, एडवांस टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आप लोग फंस सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप देखिए 13 अगर 12 गुने बराबर 651, तो अगर हम लोग 13 गुने 12 करते हैं तो 13 गुने 12 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 13 गुने 12 जो है दोस्तों 156 होता है, 156 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 651 है, मतलब इसी का कुछ ना कुछ तो है उल्टा पुल्टा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे 656 दिया गया, 651 दिया गया है, और यहाँ पे 156 है, और हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 6 को पहले लेते हैं, बीच 5 को बीच में रखते हैं, और प्रथम संख्या को लास्ट में देते हैं, तो मतलब ये आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 41 गुने 23, तो 41 गुने 23 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 41 गुने 23 जो है ये 943 आ रहा है, 41 गुने 23 बराबर 943 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 349 दिया गया है, तो हम लोग उल्टा कर देते हैं इसको, अगर हम लोग पहले लेते हैं 3 को, उसके बाद 4 को बीच में रखते हैं, और प्रथम संख्या जो 9 है इसको लास्ट में देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, मतलब ये नियम भी सही है। अब 24 गुने 22 करते हैं, तो 24 और 22 को गुना करते हैं, तो दोस्तों ये कितना आ रहा है, तो ये जो 528 आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, ये 528 आ रहा है। अगर हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, तो पहले 8 लेते हैं, उसके बाद बीच वाले संख्या लेते हैं, उसके बाद प्रथम संख्या इसमें लास्ट कर देते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे देखिए 825 आ गया, मतलब मेरा जो आंसर है वो बी हो जाएगा, 825, यानी सभी में सेम नियम लागू होना चाहिए, इसमें भी सेम नियम जो है वो लागू हो रहा है, मतलब ये मेरा आंसर जो है वो दो हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पे 4*6=72 हो गया, 81*5=225 हो गया, 9*x बराबर कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये जो है वो अन्य दूसरा क्वेश्चन जो था उससे थोड़ा डिफरेंट है, तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं, 4*6=72 दोस्तों ये 72 कैसे हुआ, तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इसको वर्ग में डाल दें और इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, तो देखते हैं आ रहा है, तो वर्ग में डालने पर दोस्तों ये अंदर जो वर्गमूल हो जाएगा इसका 4 का वो 2 हो जाएगा, और इसका जो 6 है इसका स्क्वायर कितना होता है, तो 36 हो जाएगा, गुने 36 हो जाएगा, तो देखते हैं दोस्तों 72 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 72 आ गया है, 72 जो है यहाँ पे देखिए आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसको हम लोग वर्गमूल कर दें, यानी वर्ग के अंदर डाल दें और इसका जो है स्क्वायर कर दें, तो 81 जो है 81 का जो वर्गमूल आता है वो 9 आता है, और इस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, तो 9 × 25 कितना हो जाएगा, तो 225, मतलब ये नियम सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर इसको हम लोग इसको भी वर्गमूल निकाल लें और यहाँ पे दोस्तों एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, देखते हैं 147 आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे 9 निकल जाएगा, 9 से कितना निकल जाएगा, 3 × x² बराबर कितना दिया गया है, तो 147 दिया गया है। अगर हम लोग 3 से काटते हैं, तो 3 × 12 = 27, यानी 49 × x², तो x बराबर कितना आ गया, तो 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 32 + 45 = 3542, 47 + 72 = 4247, और पूछ रहा है 86 + 12 = कितना हो जाएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 32 और 45 जोड़ते हैं, गुना करते हैं, फिर भी इतना नहीं आ रहा है, तो इसका नियम क्या होगा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 32 + 45 = 3542 दिया गया है, तो इसको कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रथम संख्या ये ले लिए, उसके बाद लास्ट वाले संख्या को ले लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे ले लिए, उसके बाद जो है दोस्तों यानी उसके बाद ये इस वाले संख्या को प्रथम लेते हैं, यानी 4 ले लिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है 2 ये बचा हुआ है ये ले लिए, तो यहाँ पे देखिए आ गया है।
इसी तरह से जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। तो प्रथम जो है वो चार ले लिए, उसके बाद जो लास्ट वाले संख्या जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए दो है तो यहाँ पे दो ले लिए, और इसका जो प्रथम संख्या है लास्ट वाले का सात तो सात ले लिए, और इसका जो बचा हुआ संख्या है सात ये भी ले लिए। तो यहाँ पे देखिए 4277 जो है आ गया है। अब इसी प्रकार जो है इसको हम लोग करते हैं, यानी 86 + 12 बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रथम संख्या 8 लिए, यहाँ से लास्ट वाले संख्या को लिए 2, और यहाँ से फर्स्ट वाले संख्या को इसके बाद लिए तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से जो बचा हुआ संख्या है 6 ये ले लिए, तो कितना हो गया तो 8216। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में जो है वो 8216 आ रहा है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप है, 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 3 × 5 × 7 × 2 = 24 और 2 × 4 × 6 × 8 = 22, तो 4 × 4 × 8 × 9 = क्या हो जाएगा, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 × 5 × 7 × 2 = 24 दिया गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। और हम लोग इसको गुना करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगर प्रथम और दूसरा संख्या को गुना कर दें और थर्ड और फोर्थ को जोड़ दें, देखिए प्रथम और सेकंड को गुना करते हैं तो 5 × 3 = 15 होता है, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ दें तो 7 × 2 = 9, यानी 7 × 2 = 9 इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो ये 24 हो रहा है, मतलब ये आ रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम और सेकेंड वाले संख्या को जोड़ दें गुना कर दें तो 4 × 2 = 8 हो रहा है, यानी 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और ये दोनों संख्या को जोड़ के इसमें जोड़ देंगे तो 8 × 6 = 14, इसमें अगर 14 हम लोग जोड़ते हैं तो 14 × 8 कितना हो रहा है, तो 22 हो रहा है, मतलब ये भी आ रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे 4 × 4 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 16 में जो है जोड़ेंगे इस दोनों को संख्या को तो 8 × 9 = 17 होता है, तो 16 और 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 13, 2 × 1 = 3, यानी 33 हो रहा है, मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा, 33 आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है 9 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, 12 × 16 जो कि 188 होता है, 14 × 18 जो कि 248 होता है, तो 16 × 20 बराबर क्या हो जाएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 12 × 16 = 188, तो दोस्तों ये कैसे हुआ, अगर हम लोग 16 और 12 गुना करते हैं तो 16 × 160 और 16 × 32 यानी 2 × 6 = 192 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 188 है, तो 192 की जगह 188 कैसे हुआ, तो हम लोग चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ टोटल जो है कितना आया, 192, और हम लोग 192 से कितना घटा दें, तो यहाँ देखिए 4 घटाते हैं, अब ये 4 आया कहाँ से, तो चलिए हम लोग देखते हैं, और हम लोग 16 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 16 में से 12 घटाने पर 4 आ रहा है, तो यही 4 यहाँ घटा दिए, तो यहाँ घटाने पर कितना आ रहा है, तो 188 आ गया। अब नेक्स्ट संख्या देखते हैं, और हम लोग 14 और 18 गुना करते हैं, तो 14 और 18 गुना करने पर दोस्तों कितना आ रहा है, तो 252 आ रहा है, कितना, तो 252 आ रहा है, और इसका अंतर कितना हो रहा है यहाँ पे, तो 4 अंतर है, और 4 हम लोग घटा देते हैं तो घटाने पे 248 जो कि आ गया है, मतलब ये नियम सही है। अब इसको हम लोग देखते हैं, 16 × यहाँ पे देखिए 16 × 20, और हम लोग 16 और 20 को गुना करते हैं कितना हो जाएगा, तो 16 × 2 = 32 यानी 320 हो जाएगा, और इस दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर 4 है, तो इसमें हम लोग 4 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 320 में से 4 घटाएंगे तो 316 हो जाएगा, यानी 316 इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर। देखिए यहाँ पे $75 = 24 हो गया, $69 = 7 हो गया, तो पूछ रहा है 82 $46 यानी $82 = 46 कितना हो जाएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे $75 = 26 कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो दोस्तों ये किस प्रकार हुआ, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 7 और 5 को जोड़ दें कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इस दोनों का अंतर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, मतलब यह नियम सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये फॉलो कर रहा है या नहीं, तो हम लोग 9 और 6 को जोड़ते हैं तो 9 =
15 हो जाएगा, और 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 3 8, और इस दोनों का अंतर करते हैं तो कितना आ रहा है, तो 7, मतलब ये नियम सही है, 7 आ रहा है। अब इसको हम लोग देखते हैं 82 और 46 को, 8 2 10 हो गया, और 6 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10 हो जाएगा। इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो इस दोनों का अंतर जो है वो 0 हो जाएगा, तो मेरा जो आंसर है वो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखे थे ग्रुप डी में पूछा हुआ 10 टाइप, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आए और किस रीजनिंग किस चैप्टर का वीडियो लेकर आए, और आप लोग का कौन सा चैप्टर जो है वो प्रॉब्लम है वो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आप लोग कमेंट के माध्यम से लेकर आएंगे। तो सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।